मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पीएट बाबा। आज डेट है 17 जुलाई 2021। तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, मैं आया हूँ यहाँ पे ले मार्केट में। एक रेस्टोरेंट है दिखम्बीर, यहाँ पे लोकल फूड मिलता है, आज ट्राई करते हैं। तो भाई ये है दिखम्बीर का फार्म फ्रेश सैंडविच, ये इनका ब्रेड कुछ अलग ही है। लेट्स ट्राई। बता दूँ इस सैंडविच का जो कॉस्टिंग है इस प्लेट का, ये पड़ा है 120 रुपीज। भाई ये है पोलो ग्राउंड, यहीं पर हो रहा है कोरोना का टेस्ट। कोविड टेस्ट को लेके हो गया है स्यापा। भाई हमारे पास जिस गेस्ट हाउस में होटल में रुके हैं उनके लेटर हेड पर अप्रूवल होना चाहिए हमारे पास, तभी हम लद्दाख में कोविड टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। देखते हैं अभी क्या प्लान करना है। आ गए हैं डोरजे भाई के पास। इस रूम में हम 2 हफ्ते से रुके थे और इस रूम का सफ़र लगता है यहीं तक था बस। बहुत मज़ा आया नूरबू गेस्ट हाउस में। यहाँ का व्यू वगैरह सब बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छा है, रिवर साइड है। और हमारे साथ भैया, भैया नाम क्या है आपका? नूरबू। भैया का नाम ही नूरबू है। 2 भैया हैं, नूरबू भैया और डोबे भैया। डोबे भैया अभी बाहर गए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया स्टे करके। और अगर आपको स्टे करना हो मैं डोबे भाई का नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी शॉर्ट्स में, क्योंकि गर्मी बहुत है। हमें जाना है यहाँ से ऊपर, यहाँ से 8 किलोमीटर एक गाँव है, उसका नाम पता नहीं मेरे को, तो वहीं अपना कैंपिंग करनी है। आज कैंपिंग करेंगे, परमिट हमें मिला नहीं, लिया नहीं यार, इतना महंगा है, 850-850 रुपये का जुगाड़ लगाएंगे। कोविड टेस्ट हो नहीं पाया तो आज कैंपिंग करते हैं, सुबह निकलेंगे वहाँ से सीधा पेंगोंग के लिए। अभी तो फिलहाल तो जगह देख रहे हैं हम कहाँ से बाइक ला सकते हैं। देख वो दिख रहा है रास्ता, वहाँ से उधर खड़ी कर सकते हैं। अरे वो ज़्यादा रास्ता, कैंपिंग हम उधर करते हैं। सही सरफेस है ना ये, इसमें पानी है डाली। किसमें? बैठ के देख ले कहाँ है पानी। ये बहुत सही दिखी बाइक कैंपिंग के लिए। तो भाई फाइनली अब लोगों की बाइक आ गई है और इधर लगा दिया हमने। फिलहाल तो हम चलते हैं नहाने, टेंट में लगाएंगे नहाने के बाद। यहाँ पे नहा के मज़ा आ गया, एकदम एक अलग सा ही एहसास था यहाँ पे आके, बना लीजिए बस यहाँ पे नहा के लग रहा है बैठे रहो, सूरज की किरणों में पीछे रहो, और कोई उम्मीद नहीं भाई जीवन से। ये सब देख पा रहा हूँ, इस पानी की आवाज़ को फील कर पा रहा हूँ, और क्या चील है। इस रिवर में नहा के ना मज़ा आ गया कसम से, बहुत चिल्ड पानी, थकान भी हो गई है, अभी कैंप भी सेटअप करना है, भूख लगने लगी है, कुछ बनाना भी है। चलते हैं अपनी बाइक की तरफ, टेंट लगाते हैं। और भाई अभी अपन लोगों को 2 फौजी मिले हैं, वो भी शायद रात को आके हमें ज्वाइन करें। लग चुका है ऑलमोस्ट, शाम के 7 बज रहे हैं और प्रवीण अपने एयर मैट्रेस में हवा भर रहा है। मेरे पास तो योगा मैट है, मेरे को इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना ठंड तो होने नहीं वाला है, लगभग 10-12 डिग्री टेम्परेचर होगा। स्लीपिंग बैग है, लेट्स सी रात को कैसी नींद आती है। अभी तो भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाना बना लेते हैं। ये है अपना टेंट है, कुछ ऐसा हाल, मेरा योगा मैट, स्लीपिंग बैग, और ये है कुछ व्यू शानदार लद्दाख का। तो पानी लेके आना नीचे से, अब हवा भरे पानी ले आते हैं अच्छा सा।
अभी बन रही है अपनी ग्रीन टी, में पानी उबाल रहा हूँ और मेरे पास है ये ग्रीन टी का पैकेट। प्रवीण उधर आलू छील रहा है, प्याज और टमाटर उसने काट दिए हैं और ये बना रहा है पोहा। हवा नॉर्मल है तो हमें शीट की ज़रूरत नहीं है, लेट्स सी कैसे बनता है। अभी टाइम कितना हो गया, 7:30 बज चुके हैं लेकिन अंधेरा नहीं हुआ, ये अच्छा है। तो गाइस अपनी फाइनली ग्रीन टी है तैयार, लेट्स टेक अ सिप। हाँ भाई, भाई क्या बना रहा है आज खाने में? नहीं अच्छा तो बन रही है। गुड मॉर्निंग भाई लोग, ठंड बहुत हो रखी है लेकिन कोई नहीं, रात को नींद अच्छी आई। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और प्रवीण पैक करके जा रहा है अपना नीचे, मैं थोड़ा निकलूँगा आराम से ब्रश वगैरह करके चेंज करके, आधे घंटे मांगूंगा मैं। रेडी तो हो गए, बस टेंट को पैक करना है। अभी हमने बाइक लोड कर ली है, यहाँ से निकलना है हमें पहले डोरजे भाई के पास, ब्रेकफास्ट करेंगे, निकलेंगे सीधा फिर हम चांगला, चांगला से निकलेंगे फिर पेंगोंग। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर हमने कल कैंपिंग करी थी और आप देख सकते हो हमने कुछ गंदगी नहीं छोड़ी है। आप भी अगर कहीं जाओ और कैंपिंग करो तो भाई ऐसे ही साफ़ कर देना,